Hello everyone. Continuity of the grammar part 2. जो ग्रामर का पहला हिस्सा हमने कवर कर लिया था, अभी ये उसका सेकंड पार्ट है. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. प्रीवियस लेसन में हमने यहां तक कवर किया था. अभी हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम. तो ये जो एरिया है, इसमें आपको ये प्रैक्टिकली आपको इस बारे में नॉलेज फराहम करते हैं कि भाई आपने कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लासरूम में. तो इसमें से देखते हैं ये चीजें आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये फर्दर आपकी हेल्प कर सकती है इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डायरेक्टली दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. यहां से वो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो एरिया है इसमें बहुत सी आपको टिप्स मिलेंगी जो आपको एग्जाम में मदद करेंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वो बढ़ाएगी. अच्छा, अभी हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ग्रामर रूल डिस्क्राइब द वे द लैंग्वेज लैंग्वेज वर्क्स बट लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम. सो ग्रामर रूल्स आर नॉट फिक्स्ड, दे चेंज टू. But grammar rules and grammar books don't always change as quickly as the language. So they are not always up to date. अब यहाँ पे ये है ग्रामर के जो रूल्स हैं, ये हमें बताते हैं लैंग्वेज कैसे काम करती है. समझ आ गई? एक लैंग्वेज को समझने के लिए हमें ग्रामर रूल्स को अप्लाई करना होता है. तो अगर हम ग्रामर रूल्स को समझते हैं तो हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं. ऑल्दो इसमें बहुत सी अदर दूसरी चीजें भी हैं, जिस तरह के वर्ड्स के मीनिंग हो गए, लेक्सिस, ठीक है, उसके इस्तेमाल के हिसाब से किस तरह यूज करते हैं उसको, ये भी उसमें है. लेकिन एक तरीका ये है कि ग्रामर के जो रूल्स रेगुलेशन है ये हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हमारी हेल्प. बट लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम. अब लैंग्वेज जो है ना वो साला साल एक तरह की नहीं होती, इसमें तो बदलाव आता रहता है, चेंज आती है. जिस तरह के आप देखें अभी जो लैंग्वेज शेक्सपियर के टाइम में इंग्लिश बोली जाती थी, अभी तो इंग्लिश उस तरह की नहीं बोली जाती, अभी तो टोटली डिफरेंट हो गई है. तो इस तरह से जिस तरह ही जमाना बदलता जाता है, इसके साथ में रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है, प्रायोरिटीज चेंज होती है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ हमारे लाइफ का रहन सहन जो होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो चेंज होते जाते हैं. अभी आप देख लें जिस तरीके से हमारे आबाओ अजदाद, हमारे फोर फादर्स फादर्स जो जिस तरीके से वो सिक्सटीज में ग्रो अप हुए हैं, फिफ्टीज में उनका लाइफ स्टाइल दूसरा था, फिर एटीज में दूसरा हो गया, फिर 2000 के बाद लाइफ स्टाइल चेंज हो गया. अभी ये लाइफस्टाइल जब चेंज होता है, टाइम जब चेंज होता है, जो चेंजेस सोशल लाइफ में आती है, इसका इम्पैक्ट जो होता है, इसका असर जो होता है वो लैंग्वेज पे भी होता है और इसके साथ साथ लैंग्वेज भी चेंज होती जाती है. अभी आप देख लें आजकल व्हाट्सएप है, तो लोग कहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दें,
और गूगल है तो वो कहते हैं कि भाई गूगल कर लो, इस वर्ड को गूगल कर लो, मीन गूगल को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही वो चेंज है जो टाइम वक्त के साथ साथ जुबान में चेंजेस आ जाती है, लैंग्वेज में चेंजेस आती है। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बट लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ लैंग्वेज जो है ना वो चेंज होती है। तो ग्रामर रूल्स जो है ना वो इस तरीके से वो फिक्स नहीं हो सकते, जिस तरह लैंग्वेज चेंज होती है ग्रामर रूल्स भी चेंज होते हैं। लेकिन ग्रामर के जो रूल हैं वो जल्दी चेंज नहीं होते, वो वक्त लेते हैं, वो टाइम लेते हैं, वो देर से चेंज होते हैं। लैंग्वेज जल्दी चेंज हो जाती है, तो ग्रामर रूल्स जो है ना वो कुछ अरसे के बाद जब देखा जाता है, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं वो देखते हैं कि भाई अभी जो न्यू चेंजेस लैंग्वेज में आ गई है वो अभी परमानेंट है, वो कुछ अरसे तक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चेंजेस परमानेंटली लोग अभी यूज करते हैं, तो वो इसको इस तरीके से वो ग्रामर रूल में अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस ले आते हैं। अच्छा, सो दे आर नॉट ऑलवेज अपडेट। फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रामर बुक से दैट इट शुड वी शुड यूज हुम रादर देन हु आफ्टर प्रीपोजिशन। अभी कुछ ग्रामर बुक्स जो है ना वो सजेस्ट करते हैं कि हुम जो है ना वो हमको यूज करना चाहिए प्रीपोजिशन के बाद, नट के हु, WHO। बट इन फैक्ट एक्सेप्ट इन सम सिचुएशन हु इज जनरली यूज विद डिफरेंट वर्ड ऑर्डर। लेकिन जनरली अभी आजकल वो हु इज यूज होता है आमतौर पे। I have just met the girl who I talked to on Friday is much more common and accepted than I have just met the girl to whom I talk on Friday। तो इससे दोनों से होता है कि भाई who जो है वो आजकल commonly use होता है। तो जो rule होता है कि भाई whom के लिए वो इतना अभी आम नहीं है। Teachers need to keep up to date with the, what parts of the language are changing and how। टीचर्स जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने आप को अप टू डेट करें कि भाई व्हाट कौन से लैंग्वेज के पार्ट्स हैं, कौन से ग्रामर्स के रूल्स हैं जो अभी नए इस्तेमाल हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो वो इस तरीके से एज अ टीचर हमें इन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम उनको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि भाई न्यूली जो लैंग्वेज है वो क्या क्या यूज हो रही है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए आप, ग्रामर रूल्स ट्रेडिशनली डिस्क्राइब रिटन लैंग्वेज रादर देन स्पोकन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, रिपीटेशन, एक्सक्लेमेशन, कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शन क्या है? टू वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस और रिटन एज वन, डोंट, इजंट, वोंट, इसको कंट्रैक्शंस कहते हैं। आर कॉमन फीचर्स ऑफ, कॉमन फीचर मीन इंपॉर्टेंट, फीचर्स मीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। But they are not always described as the grammar books. Some grammar books are now available which describe spoken language too. अभी ये contraction जो हो गई isn't, don't, won't, didn't, ये पहले spoken language में इस्तेमाल होती थी सिर्फ। अभी grammar में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में मालूमात मिलती है कि भाई ये language में कैसे use होते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली जो बात वो कर रहे हैं ग्रामर के बारे में कि आम तौर पे ट्रेडिशनली ग्रामर रूल्स जो है ना हम वो लैंग्वेज रिटन लैंग्वेज में ज्यादा यूज करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में हम ज्यादा ग्रामर की बात नहीं करते। और इस तरह लोग, ये चीज आम भी है कि लोग कहते हैं कि भाई इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द स्पोकन लैंग्वेज यू डोंट नीड दैट मच ग्रामर। वो इसलिए बात करते हैं कि भाई जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से स्पोकन वे, तो उसमें हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हैंड्स मूवमेंट होती है, तो बाज़ औक़ात हम कुछ कहते भी नहीं है और हम कह भी लेते हैं, बाज़ औक़ात हम बगैर बात किए भी बात कर लेते हैं। जैसे कोई बात हमसे करे कि भाई डू यू वांट टू गो देयर, देन माय आंसर वुड बी मीन पता नहीं, मैं कुछ खास नहीं, अभी मैंने बोला कुछ भी नहीं है लेकिन मैंने जवाब दे दिया है, ये है स्पोकन लैंग्वेज। अभी हम इस जेस्चर को ग्रामर में या लैंग्वेज में कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसीलिए वो कहते हैं कि ट्रेडिशनली जो अगर आप अब लिखना चाहते हैं तो लिखने में आप प्रॉपर ग्रामर इस्तेमाल करेंगे, यही बात वो वहां पे वजाहत कर रहे हैं इसकी।
अभी बात जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे जो हमें मदद करेंगे इस बारे में कि भाई लैंग्वेज के इस्तेमाल में और कौन सी चीजें हम जहन में रख सकते हैं। इस पॉइंट को देखें अभी। वेरी ऑफन स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज कैन स्पीक एंड राइट इट वेल विदाउट कॉन्शियसली नोइंग एनी ग्रामेटिकल रूल्स और टर्म्स। तो वो तो जाहिर सी बात है, जो लोग नेटिव स्पीकर होते हैं, नेटिव स्पीकर मीन जो लोग उस जुबान के बोलने वाले होते हैं, तो वो अभी जिस तरीके से वो बगैर ग्रामर रूल्स को जाने वो ग्रामर प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अभी जो हिंदी बोलते हैं या जो पंजाबी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, तो वो बच्चा जब घर में हिंदी पंजाबी या उर्दू सीखता है तो वो ग्रामर के रूल्स नहीं सीखता, बल्कि वो लैंग्वेज को जो बड़े उनके इर्द गिर्द बोल रहे होते हैं वो उनको पिक कर लेते हैं। और विदाउट नोइंग ग्रामर के बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो ग्रामेटिकली प्रॉपर लैंग्वेज बोलते हैं। ये बात वो कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो वो उनको ग्रामर रूल्स को सीखे बगैर जो है ना वो उसको प्रॉपरली यूज करते हैं। और यही जो है ना तरीका दूसरे लैंग्वेजेस में भी इस तरह ही है। Teachers need to consider whether it's helpful to teach grammar to learners simply by making them aware of patterns and practicing them, or by also teaching them grammar rules and some grammatical terms. Learning some grammatical rules and terms makes language learning easier for some learners. Other learners, for example, young children may not find it useful at all. अभी ये एक बहुत पते की बात ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि भाई जब आप ग्रामर रूल्स को पढ़ाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि भाई हर लर्नर, जो सा भी बंदा सीख रहा हो, जो सा भी स्टूडेंट हो, सबके लिए ग्रामर रूल्स पढ़ाने चाहिए। अभी आप देखें प्राइमरी के जो बच्चे हैं, यंग लर्नर्स, उनको ग्रामर रूल से कोई लेना देना नहीं होता, उनको तो इस्तेमाल करना चाहिए लैंग्वेज को। लेकिन हम बहुत सी ग्रामर उनको भी पढ़ा देते हैं इसलिए कि भाई हमने पेरेंट्स को इम्प्रेस करना होता है कि भाई हम बहुत ये उनको ये ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ये अभी बच्चों को समझ ही नहीं आती इस ग्रामर वगैरह की, वो तो मेमोराइज कर लेते हैं और फिर वो उसको, तो समझ उसकी नहीं होती। समझ उनकी शुरू होती है जब वो जाते हैं सेकेंडरी स्कूल में, वहां पे उनकी समझ थोड़ी सी सॉलिड हो जाती है और वो उसका जहन, उनका जहन जो है ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन जो है इसको समझ सकते हैं। और या जब एडल्ट लर्नर हो जाते, जो ग्रोनअप लोग होते हैं, वो समझते हैं और वो इंटरेस्टेड भी इसमें होते हैं कि जो आप एडल्ट्स की क्लास देख लें तो वो ज्यादातर इसमें होते हैं कि भाई हमारी इंग्लिश में कौन सी गलतियां हैं, हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज वी वॉन्ट दैट करेक्शन। लेकिन बच्चे जो होते हैं यंग लर्नर्स, तो वो इसमें इतने नहीं इंटरेस्टेड होते हैं। तो अभी आप ये है टीचर्स के लिए सजेशन यहाँ पे कैम्ब्रिज के ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जब उनकी एज कम है तो आप कम ग्रामर पढ़ाएं, प्रैक्टिकली ज्यादा उनको लैंग्वेज पढ़ाएं। जैसे ही एज बढ़ती जाती है इस तरीके से आप ग्रामर रूल्स बताते जाते हैं, तो फिर उनको बड़े एज के लोगों को समझ आते हैं ग्रामर के रूल। तो ये एक अहम बात है टीचर्स के लिए जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं कि बच्चों को ज्यादातर रूल्स रेगुलेशन ना पढ़ाए बल्कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज का यूज पढ़ाए कि वो कैसे बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके लैंग्वेज। नेक्स्ट है जस्ट लर्निंग ग्रामेटिकल रूल्स टर्म्स एंड स्ट्रक्चर डजंट टीच लर्नर्स हाउ टू कम्युनिकेट। अभी सिर्फ अगर आप किसी को ग्रामर रूल्स पढ़ाएंगे और इसके जो है ना वो स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे और रूल्स रेगुलेशन इसके, तो उनको ये कम्युनिकेशन में मदद नहीं करेगी। कम्युनिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल चाहिए। अभी अगर मुझे बहुत सारे ग्रामर रूल्स का पता हो लेकिन मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है कम्युनिकेशन में, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके साथ। विच इज द मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज। अभी मेन पर्पस लैंग्वेज का क्या है? कम्युनिकेशन। जुबान हम क्यों सीखते हैं, लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? कि बात कर सके।
So much language teaching nowadays is also focused on functions, language skills, fluency and communication. इसीलिए आजकल ज्यादातर लैंग्वेज का फोकस जो होता है वो कम्युनिकेशन पे होता है कि आप बात कर सकें किसी से, अपना मैसेज कन्वे कर सकें. और अगर सिर्फ आप ग्रामर के रूल्स पढ़ाएंगे तो उससे वो काम नहीं बनेगा. इसलिए ग्रामर रूल्स के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल यूज, हाउ टू यूज दैट रूल प्रैक्टिकली इन स्पोकन वे, इन कम्युनिकेटिव वे, ये भी पढ़ाना चाहिए. It is important that exercise and activities focus on form and use to give students practice of both. For example, how the second conditional is formed and the second conditional is used to talk about situations that are unlikely to happen. Learners need to develop accuracy in both form and use. So, abhi iska jo outcome hai wo ye hai ki bhai aap sirf aur sirf ग्रामर ना पढ़ाएं, ग्रामर के साथ साथ उसके यूज भी बताएं कि भाई टेंसेस कैसे यूज की जाते हैं, कोई पैसिव वॉइस कहाँ पे यूज की जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे यूज की जाते हैं और किन सिचुएशन में इसको किस तरह के इनके डिफरेंट यूजेज हैं. तो ये है एक बेहतरीन तरीका. तो ये हुआ आपका यूनिट वन कम्प्लीटेड. फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थ्री एरियाज जो आपको पता होना चाहिए. वो थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सब्स कैटेगरीज, वो आपको पता होना चाहिए. साथ में फॉर्म्स जो है टेंसेस के वो पता होना चाहिए. वो मैंने एक्सप्लेन किए, उसके लिए आप वीडियो नंबर पार्ट वन देख लें. और उसके बाद आपको पता होना चाहिए यूजेस, टेंसेस के जो यूजेस हैं डिफरेंट वो कैसे होते हैं. आपका टेस्ट जो लिया जाएगा वो इन तीन जगहों में आपका टेस्ट लिया जाएगा. ये जो बाकी हमने बात की है, ये एक्सप्लेनेशन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज फ्राहम करने के लिए लैंग्वेज टीचिंग के बारे में और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के बारे में, ये जो हमने डिस्कशन अभी की है, इसमें से जो चीज आपको अच्छी लगे वो अपने पास रख लीजिएगा और अपने टीचिंग मेथड्स में अडॉप्ट कीजिएगा, ठीक है. और साथ में देखें कि भाई ग्रामर के बारे में अच्छी हमें बात की है कि भाई ग्रामर कितना पढ़ाना चाहिए, छोटों को कितना पढ़ाना चाहिए, यंग लर्नर्स जो हैं उनको थोड़ा सा ग्रामर रूल्स पढ़ाने चाहिए ज्यादातर प्रैक्टिकल में. और अगर बड़ों को भी आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलेगा, उनको आपने प्रैक्टिकल यूज भी इसका बताना होगा. अच्छा, अभी ये तो बात हो गई, आपकी यूनिट मार्क कवर हो गया. अभी आप फर्दर देखें, ये होगी फॉलो अप. अब ये फॉलो अप एक्टिविटीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये प्रिपरेशन कराएंगे. जो एरिया अभी हमने डिस्कस किया ग्रामर का, उसमें से आपको ये फॉलो अप फर्दर एक्टिविटीज देते हैं. अभी इस फॉलो अप एक्टिविटीज की पेज नंबर 237 पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे. देखें अभी फर्स्ट है पुट दीज वर्ड्स इनटू करेक्ट कैटेगरी बिलो, सम मे बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी एज really take advantage both on the left of often very hard. ये भी सारे आपको different किस्म के words and phrases दिए हुए हैं. अभी देखना आपने ये है कि भाई ये noun है as noun है या verb है या adjective है या adverb है या determiner है या preposition, all जितने भी आपके categories दी हुई है parts of speech के, इनको आपने इनमें डाल देना है और देखें कि भाई कौन सा किस कैटेगरी में आता है. तो अभी ये आप नहीं कर सकते जब तक आपको इस बात का पता ना हो कि भाई सब कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. पहले आप उसको प्रिपेयर कीजिए, फिर अपने आप को इस एक्टिविटी को कीजिए और देखिए कि भाई आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है, कितनी आपके पास नॉलेज है इसके बारे में. और फिर आप अपने आंसर जो है ना वो पेज नंबर 237 पेज के आंसर्स हैं, जो ये आपको देगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन, ठीक है. हर यूनिट के बाद आपको एक फॉलो अप एक्टिविटी मिलेगी. और साथ में हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखते हैं कि और क्या चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी क्या है. ये फॉलो अप एक्टिविटी पर फर्दर चल रहा है, ठीक है. अभी रिफ्लेक्शन का अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, बाहर डिस्कवरी एक्टिविटीज, लेकिन
ये ऑप्शनल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि जो फर्दर आपको एक्टिविटी करनी है, एक तो फॉलो अप एक्टिविटी होगी, ओके। और ये फॉलो अप एक्टिविटी आपको हर यूनिट के एंड में मिलेगी बुक में इजीली, और साथ में इस फॉलो अप एक्टिविटी की थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, अभी आप देखें, फिर आपको एंड में आपके ये मिलेगा टीके की प्रैक्टिस टास्क। ये एग्जैक्टली द वे यू पीपल विल हैव योर टीकेटी पेपर। टीकेटी पेपर में क्वेश्चन इस किस्म का आएगा। तो अभी ये जो एरिया है, ये क्वेश्चन इन्होंने ग्रामर के एरिया से लिए है कि ग्रामर में आपको टीकेटी पेपर में कैसे टेस्ट किया जाएगा। अभी आप देखें यहां पे टीकेटी प्रैक्टिस टास्क 1A, सी पेज 245 फॉर आंसर्स। इसके टास्क जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसके आंसर आपको 245 पेज पे मिल जाएंगे, तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। ये टास्क आप करें, क्वेश्चन के देखें कैसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन होगा, फॉर क्वेश्चन 1 to 7, मैंने आपको बताया था कि पहले 7 क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे ग्रामर में से। ग्रामर के किस एरिया में से? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। उसमें से होगा लुक एट द सेंटेंसेस एंड three words from each listed A, B, C. Multiple choice question hoga. Is tarah ke aapko wo multiple choice question denge. Two of the words have the same grammatical function in the sentence. Do jo words hain, unka same function hai. Isme, is sentence mein. Aur jo bhi sentences diye hue hain. One does not choose. Ek jo hai na wo, उसका फंक्शन वो सेम नहीं है, बल्कि इन दो जो वर्ड्स हैं उसका सेम फंक्शन है। चूज द लेटर ए बी और सी विच डज नॉट हैव द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन। अभी आपने चूज कौन सा करना है? आपने वो दो नहीं करने जो सिमिलर है, आपने चूज करना है जो उसके साथ नहीं मिलता, जिसका सेम फंक्शन नहीं है, जिस तरह के दो अदर का है। एग्जाम्पल लें, She told us it was very cold there. अभी देखें इसमें से कौन से वर्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं, she, it, there. दो वर्ड्स उनका फंक्शन सेम है, एक है जिसका फंक्शन डिफरेंट है। अभी आप वो देखें यहां पे टिक मार्क करें और जाके आंसर देख लें कि कौन से दो वर्ड्स इस सेंटेंस में सेम फंक्शन की है, फिर नंबर टू में कौन से दो वर्ड सेम फंक्शन की है, और एक तो आपने जो फंक्शन सेम नहीं है उसको लेना है, उसको जवाब देना है, वो आप में ए बी सी में से एक होगा। और इसमें आप टिक मार्क करें, और बेहतर है कि इसमें टिक मार्क ना करें, सेपरेट शीट पे कर लें, तो आप ये क्वेश्चन दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये बुक आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो बुक में सिर्फ आप मीनिंग अगर लिखना चाहें, हाईलाइट करना चाहें तो उसको कर लें, लेकिन क्या है अपना आंसर्स यहाँ पे ना लिखें। आंसर्स आप एक सेपरेट नोटबुक ले लें जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, और फिर उसके आंसर आप चेक कर लें 245 पेज पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रामर का यूनिट कंप्लीट, और कंटिन्यूटी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, जो लेक्चर है नंबर 2 का है, फिर phonology है, function है, all 18 units के मैं आपको explanation दूंगा हिंदी और उर्दू में। आपको कोई question हो, किसी चीज की आपको समझ नहीं आई हो, कोई confusion हो, तो आप comments में आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं देखूंगा। अगर lengthy explanation हो तो मैं video upload कर सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं आपको क्या है अपना कमेंट्स में ही एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसका, और साथ में मेरा ईमेल एड्रेस है, तो आप उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से भी हो, इस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे टीकेटी कोर्स के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है टीचर्स के लिए, और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए, और आप इसकी प्रिपरेशन करें, और किसी सेंटर में जाके एडमिशन करके आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसके सेंटर
सारी कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड मौजूद है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश है ही है, ठीक है। और बाद में आपको मैं बता दूंगा कि आप किस तरीके से एडमिशन लेंगे, कहाँ पे आपके पास सेंटर करीब है और क्या प्रोसेस होता है इसका, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।